दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण शादी करने के बाद अब अपनी खुशहाल जिंदगी अभिनेता रणवीर सिंह के साथ बिता रही है। रणवीर सिंह से पहले दीपिका पादुकोण बहुत बार कई हस्तियों को डेट करने की वजह से सुर्खियों में रही है। उनमें से एक अभिनेता रणवीर कपूर भी थे। अब भी बहुत से इवेंट में दीपिका से रणवीर कपूर को लेकर सवाल किए जाते हैं, जिसका जवाब वह पूरी बेबाकी और बेशर्मी भरे अंदाज में दे देती हैं। एक बार फिर से दीपिका पादुकोण से रणवीर कपूर को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करके इन सभी सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए। हाल ही में दीपिका पादुकोण मुंबई में हो रहे मामी फिल्म फेस्टिवल में पहुंची। यहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और फिल्मी सफर के बारे में बात कही। यहां दीपिका से उनके पति रणवीर सिंह और उनके सह अभिनेता रणबीर कपूर को लेकर भी सवाल पूछे गए। दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि ये दोनों कलाकार अपने किरदार और अभिनय को लेकर किस तरह से काम करते हैं। इस बात का दीपिका ने अलग अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, पर्दे पर अपने किरदार को निभाने के मामले में रणवीर और रणबीर बिल्कुल अलग हैं। जहां रणवीर पूरे प्रोसेस में विश्वास करते हैं, वहीं अपनी निजी जिंदगी में भी उस किरदार को अपना लेते हैं। करीब हर जगह वह अपने किरदार के बारे में सोचते रहते हैं। सेट पर भी वह किरदार के तौर पर ही सबसे बर्ताव करते हैं। वहीं दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के बारे में बताते हुए कहा कि रणबीर बहुत ज्यादा तैयारी करते हुए मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। हालांकि वह जब अपना सीन निभाते हैं तो वह काफी अच्छा होता है। दरअसल रणबीर और मेरे किरदार की तैयारी करने का तरीका करीब करीब एक जैसा ही है। बातचीत के दौरान अपने पति रणवीर सिंह को लेकर दीपिका ने मजाकिया लहजे में कहा, हमारी अच्छी रिलेशनशिप रहने का कारण यह भी है कि रणवीर करीब हर 6 महीने में एक अलग इंसान हो जाते हैं, इसलिए शायद मैं कभी उनसे बोर नहीं हो पाती। दीपिका ने आगे बताया, जब मैं और रणवीर एक साथ काम करते हैं तो मैं घर पर काम की कोई भी बात नहीं करती हूँ। हालांकि रणवीर कई बार काम की बातें किसी न किसी तरह घर में ले ही आते हैं। दीपिका ने फिल्म रामलीला में काम करने का अपना अनुभव साझा किया। गौरतलब है कि इस फिल्म में पहली बार दीपिका और रणवीर सिंह एक साथ नजर आए थे और यहीं से दोनों में प्यार परवान चढ़ गया था। दीपिका ने इस फिल्म की यादों को शेयर करते हुए कहा, फिल्म के कुछ सीन्स में मैं रणवीर पर गुस्सा करती हूँ और चिल्लाती भी हूँ, जो मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मेरे दिल में कुछ और चल रहा था और मैं बोल कुछ और रही थी। इस मौके पर दीपिका ने संजय लीला भंसाली के बारे में भी कुछ खास बातें बताई। दीपिका ने कहा, शूटिंग के दौरान भंसाली हमेशा कुछ न कुछ बदलाव कराते रहते हैं। फिल्म का एक हिस्सा शेयर करते हुए दीपिका ने बताया कि रंग लगा दे गाना हमने पूरा शूट कर लिया था, लेकिन तभी भंसाली सर ने मुझे बुलाया और इस गाने को नए कॉस्ट्यूम के साथ दोबारा शूट करने को कहा। यहाँ तक कि कई बार वह सेट पर ही पूरा सीन बदलकर मुझे नए डायलॉग्स दे देते हैं, जिसे मुझे तुरंत तैयार कर शूट करना होता था। तो दोस्तों, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या दीपिका पादुकोण का दिल रणवीर सिंह के साथ साथ रणबीर कपूर के लिए अब भी धड़कता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।